आप सबको जय मसीह की। बाइबल में हम ये बात देखते हैं कि जब यीशु मसीह गलील के काना नगर में गया और वहाँ पर एक विवाह हो रहा था, उस विवाह में यीशु मसीह को और उसके चेलों को उसकी माता को आमंत्रित किया गया था और वहाँ दाखरस की घटी कमी हो गई, तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता के कहने पर उस दाखरस को बढ़ाया और वो दाखरस सबके लिए पर्याप्त रूप से सबके लिए पूरा हो गया। परमेश्वर ने वहाँ पर उस परिवार की बेइज्जती होने से परमेश्वर ने उन्हें बचाया और परमेश्वर कभी भी किसी को भी लज्जित नहीं होने देता। इसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवनों में भी हर एक घटी कमियों को दूर करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार उस विवाह में परमेश्वर ने उस दाखरस की घटी कमी को दूर किया, उसी प्रकार हमारे जीवनों की भी घटी कमी यीशु मसीह पूरी करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर, जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे यीशु, हम उनके लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदावन कि पिता परमेश्वर आज प्रभु जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदावन कि आप उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु आपने उस विवाह में लोगों को प्रभु लज्जित होने से बचाया प्रभु, उनकी घटी कमियों को प्रभु आपने पूरी किया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु जी आज प्रभु जिन लोगों के जीवन में घटी कमियां हैं प्रभु परमेश्वर, आप उनकी घटी कमियों को दूर करें, क्योंकि आप यहोवा यीरे हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन, आज प्रभु जिन लोगों के जीवन में प्रभु घटी कमियां हैं प्रभु, जिनके प्रभु रिलेशनशिप में घटी कमियां हैं प्रभु, और प्रभु जिसके बिजनेस में घटी कमियां हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर जो पिता परमेश्वर अपने फाइनेंशियल नीड में प्रभु जिनके जीवन में घटी कमियां हैं पिता परमेश्वर, आज प्रभु हम उन लोगों की घटी कमियों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि आप उनकी घटी कमियों को दूर करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन कि पिता परमेश्वर आप प्रभु कभी भी प्रभु किसी को भी लज्ज नहीं होने देते प्रभु, यदि प्रभु कोई भी प्रभु अपने जीवन में कभी लज्जित हुआ है पिता, तो होने दे पिता परमेश्वर उनकी हर एक प्रभु इस बेइज्जती को प्रभु जी आप प्रभु जी इज्जत में बदल दीजिए प्यारे खुदावन, जिस प्रकार आपने प्रभु बाइबल में प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु उनकी इज्जत को बचाया प्रभु, उस प्रकार प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आप प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में सम्मान लाएं प्रभु, उनकी घटी कमियों को आप दूर करें प्रभु जी, आपके लिए कोई बात इम्पॉसिबल नहीं है यीशु, आप उनके लिए प्रभु इन बातों को पूरा करें, इस जीवित वचन को प्रभु आप इन लोगों के जीवन में पूरा कीजिए प्यारे यीशु। प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और ये विश्वास करते हैं प्रभु जिस प्रकार आपने प्रभु उन लोगों के लिए किया प्रभु, आज प्रभु इन लोगों के लिए भी करें प्रभु, हर एक बातों को यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन आमीन।